जैसे कि आप शॉपिफाई स्टार्ट करते हैं तो आपने यहाँ पे ईमेल लिखा, पासवर्ड लिखा, और यहाँ पे आपने स्टोर का जो नेम है, यूनिक नेम होगा, आप कुछ भी मतलब ऐसे ही आप नाम नहीं डाल सकते, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। आप क्रिएट स्टोर करें, स्टोर क्रिएट करने के बाद आपसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगेगा, और इसके बाद आपके पास ये आपके पास पैनल ओपन हो जाएगा, जैसे कि ये होम है, ठीक है। और यहाँ पे प्रोडक्ट्स होगा, जैसे हम वर्डप्रेस में कोई भी अपना एक प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो हमें उसमें सबसे पहले एक हमें वू कॉमर्स प्लगइन ऐड करना पड़ता है, ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए हमें वू कॉमर्स प्लगइन ऐड करना पड़ता है। लेकिन जब आप ये स्टोर क्रिएट करेंगे तो ये ऑलरेडी आपके पास प्रोडक्ट यहाँ पे है ना, प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो मैंने ये अभी ना डिफॉल्ट एक प्रोडक्ट अभी ऐड किया था टेस्ट के लिए, ठीक है, ये मैं आपको बता दूंगा। तो मैं कंप्लीट आपको एक स्टोर बनाना सिखाऊंगा, जैसे इसमें कैसे स्लाइडर होता है, थीम कस्टमाइजेशन कैसे होती हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, और इसका ओवरव्यू भी सब आपको मैं दे देता हूँ, ठीक है। जैसे कि वर्डप्रेस में प्लगइन्स होते हैं तो इसके अंदर आपके पास एप्स होती हैं। प्लगइन्स हम किस लिए यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई कस्टम फील्ड ऐड करनी है वर्डप्रेस में, सही, वर्डप्रेस में, तो हम क्या करते हैं, कस्टम फील्ड का कोई प्लगइन करते हैं। तो अब मेरे पास इसमें कैसे होगा कस्टम फील्ड्स वगैरह, तो यहाँ पे हमारे पास विजिट ऐप स्टोर है, ठीक है। आप यहाँ से आप कोई भी ऐसा प्लगइन या कोई भी ऐप जो आपको ज़रूरत हो तो आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप सर्च ऐप करें, जैसे कि मुझे कस्टम फील्ड के लिए कोई ऐप चाहिए। कस्टम फील्ड क्या होती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसके अंदर वेरिएशंस हैं और फिर भी मुझे कुछ डिटेल्स ऐड करनी है जो मैं ऐड नहीं कर पा रहा, तो जैसे ये है मेरे पास, तो ये कस्टम फील्ड क्या करेगी, मेरे पास ऐड हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो मेरे पास एक ऑप्शन आ जाएगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डिस्क्रिप्शन मुझे दो टाइप की लिखनी है, तो मैं एक में मैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ, एक में मैं लॉन्ग लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास इस तरीके से इंस्टॉल ऐप कर दी मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे अभी फ्लैग है ना सिलेक्ट मैं फ्री कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पर मैं आपको ज़्यादा लंबा नहीं दिखा रहा क्योंकि स्टार्ट बहुत ही बेसिक से लेना है मुझे सबसे पहले ये एप्स वगैरह के लिए, ओके। तो अब मैं आपको यहाँ पे सेटिंग में आके दिखाता हूँ, आपको कोई फाइल अपने पास अपलोड करनी है, बहुत इजी। यहाँ पे जैसे कि कोई मेरे पास इमेज, आप देख रहे हैं इमेज, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स, आपके पास इमेज और वीडियोस और डॉक्यूमेंट्स, आप कैसे क्लिक यहाँ पे आएंगे, ठीक है, अपलोड्स फाइल, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मुझे ये इमेज चाहिए, ठीक है। तो मैंने ये इमेज ऐड कर लिया, फिर से मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ कि सेटिंग में जब हम यहाँ पे आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस होते हैं, लाइक जर्नल, लोकेशन, प्लान, परमिशंस, ठीक है। मैं आपको बता दूँ, जर्नल में आपकी ये सारी इंफॉर्मेशन मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जर्नल में आपकी इंफॉर्मेशन आएगी, ठीक है। लोकेशन जहाँ आपकी ये सारी ऑर्डर वगैरह की जो लोकेशंस हैं, कहाँ आप ऐड करेंगे, ठीक है। और बाकी यहाँ पर हमारे पास स्टोर लैंग्वेज, मतलब आपके पास स्टोर कौन सी लैंग्वेज में है, इंग्लिश है या स्पेनिश, ठीक है। डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी स्टोर्स होते हैं, तो आप यहाँ पर सारा काम अवेलेबल, आप इंग्लिश में कर लें, इसके बाद आप अपनी लैंग्वेज चेंज करेंगे तो वो चेंज हो जाएगी, ओके। तो फाइल का मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, जैसे कि आप कोई जेपीईजी इमेज यूज़ करते हैं, चाहे पीडीएफ हो या कोई भी डॉक्यूमेंट हो, आप यहाँ से अपलोड फाइल करेंगे, और इसका जो सीडीएम मतलब जो इसका जो लिंक है, आप इस तरीके से आप इसका जो पाथ है आपको कहीं पे भी अटैच करना हो, फॉर एग्जाम्पल इमेज में यूज़ करना है या कहीं पे भी आप डाउनलोड के क्लिक पे पीडीएफ डाउनलोड करवाना चाहते हो, ठीक है, तो आप ये वाला पाथ यूज़ करेंगे, ओके। अब हमारे पास नेक्स्ट है, मैं आपको बताऊँ प्रोडक्ट थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास प्रोडक्ट पहले क्लिक करते हैं, ऐड प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है। मैं फिर से बता दूँ, जब भी आप ये स्टोर क्रिएट करेंगे तो आपके पास फ़ौरन डायरेक्टली आपके पास ये वाला डैशबोर्ड ओपन होगा, और इसमें प्रोडक्ट आपको वू कॉमर्स, ई कॉमर्स, कोई प्लगइन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। अब यहाँ पे हमारे पास टाइटल, मेरे पास कोई टाइटल मैं दे देता हूँ, वॉच, स्मार्ट वॉच करके नाम एक दे देता हूँ, स्मार्ट वॉच,
ठीक है, डिस्क्रिप्शन मैंने एक वर्ड की फाइल में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखा हुआ था। ये मेरे पास इसकी डिस्क्रिप्शन आ गई। ठीक है, डिस्क्रिप्शन वॉच की है। ओके, अब मेरे पास यहाँ पे एक और इमेज ऐड कर देता है। इमेजेस मेरे पास, मैंने मतलब ये फ्री इमेजेस जो हैं वो डाउनलोड करके अपने पास सेटअप सेट किया हुआ है, क्योंकि आपकी अगर वेबसाइट में आपके स्टोर के अंदर इमेजेस क्लियर नहीं होंगी तो मतलब वो लुक अच्छा नहीं आएगा। तो आप पहले कोशिश करें, अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है या किसी की वेबसाइट है तो मतलब आप उसका स्टोर बनाने से पहले मतलब आप सारी चीज़ें आप अपने पास बिल्कुल परफेक्ट साइज में, या आप देख रहे हैं सारे एक ही साइज के बैनर इमेजेस हैं। ठीक है, इसमें मैंने बैनर भी एक दो बना के रखे हैं, वो भी एक ही साइज के हैं। मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास इमेजेस बड़ी छोटी होंगी तो मतलब कि कभी किसका साइज क्या आ रहा होगा, कभी किसका साइज क्या आ रहा होगा, और वो पिक्सेलेट हो रही होगी अगर हम उनको वहीं पे बिट हाइट वगैरह देंगे तो खराब हो जाएगी। तो बेहतर ये है कि आप फोटोशॉप में आकर इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। ठीक है, तो अभी मैंने ये इमेजेस यूज की हुई हैं, तो अब मैं यहाँ पर एक इमेज ले लेता हूँ। ठीक है, उसी को मैं दोबारा ले लेता हूँ फिलहाल, क्योंकि मुझे बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनानी है अभी आपके सामने। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पर एक प्रोडक्ट आ गया। सही है, अब यहाँ पे वेंडर मैंने DST वॉच ऐसे ही नाम रखा हुआ है। आप भी अगर आपके पास कोई स्टोर है तो आप यहीं से आप स्टोर नेम वगैरह या कोई भी आपका वेंडर जो है आप नेम रख सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट टाइप क्या है, स्मार्ट वॉच में कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैंने स्मार्ट वॉच टैग, आप बहुत सारे टैग्स यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं प्राइस लिख लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल, चलो यही सही है। यहाँ पे भी मैं लिख लेता हूँ 22,000। सही है, यहाँ पे भी मैं लिख लेता हूँ ज़्यादा प्राइस, मतलब कि मेरे डिस्काउंट लेना है, प्रॉफिट मेरे पास कितना है। सही, कॉस्ट पर आइटम क्या ज़्यादा है, पर मैंने यहाँ पे प्राइस अभी ये रखी है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आके लिख लेता हूँ 24। अब यहाँ पर SQL कोड, अगर आपके पास प्रोडक्ट क्या है SQL कोड तो आप SQL कोड डाल दें। अब यहाँ पे क्वांटिटी मैंने क्या किया हुआ है, चलो सही है, आप जितने भी डाल सकते हैं, आपके पास कोई वेट है इसका तो आप वो भी डाल दें, KG में है, IBM में है या G में है, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप वेरिएशंस बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक साइज है या कलर है, मेरे पास ये ब्लैक कलर है, तो मैं यहाँ पे कलर चूज कर रहा हूँ एक। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ब्लैक। ठीक है, मैंने क्लिक किया एंटर, तो अब मेरे पास ब्लैक आ गया और इसकी प्राइस ये है, क्वांटिटी 11 आ गई, तो ये मेरे पास रेडी है। ठीक है, अब आपको ये प्रोडक्ट समझ आ गया होगा किस तरीके से मैंने ऐड किया है। सबसे पहले मैंने ऐड प्रोडक्ट किया था, जब ऑल प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास ऐड का ऑप्शन आएगा। ठीक है, स्मार्ट वॉच टाइटल मैंने दे दिया, ये मैंने डिस्क्रिप्शन लिख दिया, आप इसको भी स्टाइल कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, कोड के थ्रू भी, मतलब यहाँ पे आपके पास आप HTML के थ्रू भी आप ये यूज कर सकते हैं। और अब यहाँ पर इमेजेस, मैंने ये इमेजेस एक यही इसी की सेम इसलिए लिए क्योंकि मुझे आपको ये बताना था कि प्रोडक्ट जब व्यू करते हैं तो हमारे पास इसका एक कैरोसोल या तो इसका इमेज गैलरी आता है, तो वो शो करवाने के लिए, इसलिए मैंने दो ले लिए। ठीक है, प्राइजेस आप ऐड कर लेंगे और यहाँ पे SQL कोड। अच्छा, अगर आपके आपको लगता है कि आपके पास मतलब कि ये क्वांटिटी मतलब अवेलेबल है तो आप क्या कर सकते हैं, ट्रैक क्वांटिटी को अनचेक कर लें, तो मतलब यहाँ पे जितनी भी क्वांटिटीज होंगी ये ऐड करता रहेगा, मतलब कि ये आउट ऑफ स्टॉक नहीं बताएगा। अगर आपके पास ये 11 हो जाएंगी, 11 मतलब 11 प्रोडक्ट खत्म, तो ये आउट ऑफ स्टॉक बताएगा, मतलब वो एड टू कार्ट नहीं कर सकता जो आपका क्लाइंट या जो भी आपके कस्टमर्स होंगे। सही है, अब मेरे पास इस तरीके से प्रोडक्ट सारे ये ऐड हो गए। ठीक है, मुझे बहुत सारे प्रोडक्ट ऐड करने, तो मैं बाद में करता हूँ क्योंकि मैं स्क्रॉल की तरफ भी चलना है मुझे। तो यहाँ पे आ जाते हैं कलेक्शंस में। कलेक्शंस क्या होते हैं, जैसे कि लाइक आपके पास कोई कैटेगरी है, जैसे कि मेरे पास एक स्मार्ट वॉच है और मेरे पास एक
कैमरे वाली जो वॉच होती हैं और भी बहुत सारी वॉचेस होती हैं, ब्लूटूथ वॉच, ठीक है। तो मैं यहाँ पर करना, कलेक्शन सेट करने के लिए मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा क्रिएट कलेक्शन। अभी मेरे पास मैंने लिख दिया है कि स्मार्ट वॉच की, स्मार्ट वॉच, ठीक है। यहाँ पे मैंने मैनुअल कर दिया है, ऑटोमेटिक क्या होगा, मतलब यहाँ पे आपको प्रोडक्ट टैग इक्वल और एनी कलेक्शन एंड अदर कंडीशंस, मतलब दूसरी कंडीशंस वगैरह आपको लगवानी है, ठीक है। तो अभी मैंने फिलहाल इसे मैनुअल किया है क्योंकि मुझे कलेक्शंस में प्रोडक्ट ऐड करवाना है। आप इसे एक पेज के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं, आप कलेक्शन के अंदर आप टेक्स्ट वगैरह, आपके पास कोई भी पैराग्राफ हो, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, सही। अब मेरे पास यहाँ पर आ जाते हैं, इसको मैंने अभी कलेक्शंस को, मैं कलेक्शन को मैंने ये ऐड किया, स्मार्ट वॉच को सेव कर दिया। क्रिएट एन अदर कलेक्शन, मुझे दूसरी कलेक्शन भी ऐड करनी है, तो स्मार्ट वॉच क्या हो गया, स्मार्ट वॉच में ब्लैक कर रहा हूँ, ठीक है। इसे भी मैंने सेव कर दिया। और एक और कलेक्शन ऐड कर लेते हैं, डिजिटल कर देते हैं, डिजिटल कर देते हैं, डिजिटल वॉच, ठीक है। मेरे पास ये तीन कलेक्शंस हो गई मेरे पास। और आप चाहें तो कलेक्शंस के लिए एक कलेक्शन इमेज भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक कर दी डिजिटल वॉच पे, एक ऐसे इमेज लगा दिया। ठीक है, ये मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। उन पे भी लगाना चाहिए था, मैंने नहीं लगाई। स्मार्ट वॉच ब्लैक पे लगा देते हैं, हेड इमेज, ये भी सेव। स्मार्ट वॉच पे भी लगा देते हैं, मेरे पास तीन कलेक्शंस हैं जो मैं चाहता हूँ कि मेरे होम पेज पे कलेक्शंस शो हो, ओके। और बाकी मेरे पास प्रोडक्ट अभी कितनी है, ऑल प्रोडक्ट्स अभी मेरे पास दो हैं। अच्छा, प्रोडक्ट तो आपके पास बहुत सारी भी हो सकती हैं, कलेक्शन भी बहुत सारी हो सकती हैं। फिलहाल अभी मेरे पास अगर तीन हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं स्मार्ट वॉच में, ये सारी चीज़ें मैं दोबारा लास्ट में रिपीट भी करूँगा, ठीक है। तो स्मार्ट वॉच के अंदर मैं चाहता हूँ कि प्रोडक्ट शो हो, ये कलेक्शन है, लाइक कैटेगरी है, स्मार्ट वॉच के अंदर कौन सी प्रोडक्ट्स होंगी सारी। तो मैं अभी क्लिक कर रहा हूँ उसके अंदर, तो आपके पास यहाँ पे आ रहा है सर्च प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैंने क्या लिखा था, स्मार्ट लिखते हैं, मेरे पास कोई वॉच, ब्लूटूथ स्मार्ट वॉच ब्लैक, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया इसको, तो ये मेरे पास ये कलेक्शन में ऐड हो गई है, ओके। तो ये प्रोडक्ट अपडेट बता रहा है। अब मैं चलता हूँ अपने ऑनलाइन स्टोर पे, पहले ये सारी चीज़ें क्लियर कर लूँ, नमाज ब्रेक भी लेना है, सॉरी मैं भूल गया। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ कि प्रोडक्ट जब ऐड हो जाता है, तो हमें व्यू करके देख लेते हैं तो कैसे शो कर रहा है। तो यहाँ पे ये मेरे पास प्रोडक्ट पेज है, ब्लूटूथ स्मार्ट वॉच ब्लैक, ठीक है, 2000 रुपीज़। एंड इसकी मैंने एक वेरिएशन बनाई थी, ब्लैक कलर है फिलहाल अभी इसमें, ठीक है। एड टू कार्ट, बाय नाउ, ठीक है, व्यू कार्ड। तो ये सारी चीज़ें आपके पास ऑलरेडी हो गई हैं। अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल में, मतलब आपको ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपने स्टोर क्रिएट किया और ये सारी चीज़ें ओके हो गई, ठीक है। अभी ये इसकी ज़रूरत नहीं है मेरे पास। बाकी अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरी साइट दिख कैसे रही है, पहले मुझे ये भी तो पता चले कि मैंने जो ये थीम की हुई है ये कैसे की हुई है, तो ये भी बता देता हूँ। सबसे पहले आप होम पे आ जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे कस्टमाइज थीम का ऑप्शन है, और यहाँ पे अच्छा ये सिलेक्ट प्लान का ये ऑप्शन आ रहा है, जब आप सिलेक्ट 3 मंथ्स, या आप चाहते हैं कि अभी एक 3 मंथ बाद प्लान सेलेक्ट करें तो आप तब कर लें, या तो अगर आपके आप डायरेक्ट परचेस करना चाहते हैं तो आप
डायरेक्ट परचेज कर लें। ठीक है, 29, ठीक है, $29 का, ठीक है, बेसिक शॉपिफाई। इसके अंदर क्या होगा, लोकेशन, स्टाफ अकाउंट्स, ये सारी चीज़ें हैं। आप परचेज करना चाहें तो आप कर सकते हैं, किसी को आइडिया देना चाहें तो आप आइडिया भी दे सकते हैं, किसी को मतलब कोई कोई अपनी प्रोडक्ट सेल करना चाह रहा हो ऑनलाइन तो वो ऐसे भी कर सकता है। अब मेरे पास यहाँ पर प्रोडक्ट्स हो गए, मैंने आपको प्रोडक्ट शो करवा दिया। अब मैं चाहता हूँ मेरा स्टोर किस तरीके से शो हो रहा है। अभी मैं आपको पहले स्टोर क्रिएट करना पूरा बता दूँ, ऑनलाइन पहले थीम दिखा देता हूँ किस तरीके से। तो आप जब ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पे दूसरे ऑप्शंस भी शो होते हैं, डोमेन। आप अपने मतलब अपने स्टोर को किसी डोमेन से, जैसे कि मेरे पास ये URL आ रहा है, मैंने ऐसे ही जब क्रिएट किया था dstarwatchmyshopify.com, ठीक है। अगर आपके पास कोई आपने डोमेन परचेज किया हुआ है तो आप यहाँ पे डोमेन पे क्लिक करें और आप यहाँ पे बाय न्यू डोमेन भी कर सकते हैं और यहाँ पे ट्रांसफर डोमेन भी कर सकते हैं। ओके, थीम, तो ये आपका जो URL होगा वो चेंज हो जाएगा, या मतलब आपकी डोमेन चेंज हो जाएगी, सही है। तो अब मेरे पास ऑनलाइन स्टोर जो है यहाँ पर किस तरीके से मुझे आपको शो करवाना है, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि अभी व्यू कैसा आ रहा है। तो मैं जब इसे ओपन न्यू करूँगा तो मेरे पास अभी ये लाइक इस तरीके से एक डिफॉल्ट थीम जो इसकी शॉपिफाई की होती है, बहुत अच्छी थीम है ये भी, बहुत वर्कफुल है, ठीक है। तो मतलब ये इस तरीके से आपके पास प्रोडक्ट शो हो जाएंगी। आपको आइडिया तो हो गया होगा कि हम किस तरीके से यहाँ पे, तो बस इसको एडिटेबल करना है और ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से कस्टमाइज होंगे। ये सारी चीज़ें रिमूव करके आप न्यू थीम भी ऐड कर सकते हो। तो आप सबको मैंने जैसे मैं बताया कि ये इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे थीम शो हो रही है, तो हम इसको किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे, क्या होगा, मैंने तो बेसिकली इसी टेम्पलेट को फॉलो किया है। ओके, तो अब हम देखते हैं हम किस तरह से इसे ना मतलब डिज़ाइन कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे हमारी प्रोडक्ट कैसे आएंगी, अगर हमें ये बैनर यूज़ करना है या नहीं करना, या ये रिव्यूज़ इसके यूज़ करना है नहीं करना है, ठीक है, और ये गैलरी है तो हमें यूज़ करना है नहीं करना है, हमें रिमूव करना है, किस तरह रिमूव होगा, कस्टमाइज किस तरीके से होती है, अच्छा इसका कोड क्या है, हम इसकी CSS वगैरह कहाँ सेव करते हैं, ठीक है। तो आप सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इस थीम के ऊपर, ठीक है। प्रोडक्ट है इजी आपको, मैंने जैसे कि मैंने आपको बताया प्रोडक्ट के बारे में, ये थोड़ा सा समझना चाहिए आपको प्रोडक्ट के बारे में कि किस तरीके से डिज़ाइनिंग, तो आपको थीम बेस मिल जाती है, प्रोडक्ट भी आप इजीली अपलोड कर लो और किस तरह से एड कर लो, ठीक है। मैंने ऐप इंस्टॉल की थी लेकिन मैंने एक्टिव नहीं की थी, वरना यहाँ पे मेरे पास मोर का ऑप्शन आ गया, ओके हो गया, एक्टिव हो गई थी, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे, मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से प्रोडक्ट ऐड होती है, ठीक है। अब कलेक्शंस क्या होती हैं, मैंने आपको कहा कि मेरे पास अभी दो कलेक्शंस हैं, और तीन कलेक्शंस हैं, स्मार्ट वॉच और स्मार्ट डिजिटल वॉच, ठीक है, वो स्मार्ट वॉच ब्लैक, ठीक है, ये तीन कलेक्शंस हैं। ये होम की एक डिफ़ॉल्ट कलेक्शन इसकी बनी हुई थी, अगर आपको चाहिए तो ठीक है, वरना आप रिमूव भी कर सकते हैं यार, अगर है तो कोई मसला भी नहीं, ठीक है। गिफ्ट कार्ड्स का भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। होम पे फिर से आ जाते हैं, होम पे अगर नहीं तो यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर पे, सॉरी ऑनलाइन स्टोर पे आ जाते हैं, यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट है। आपकी वेबसाइट पे कोई आप ब्लॉग ऐड करवाना चाहते हैं, लाइक आपको पता होगा कि पोस्ट क्या होती हैं, अगर किसी ने भी वर्डप्रेस यूज़ किया हुआ है, मतलब डेली बेसिस पे आप अपने वेबसाइट पे कोई पोस्ट करना चाहते हैं, या आपने कोई भी चीज़ पोस्ट कर दी, या इमेज पोस्ट कर दी, या आपने कोई भी आर्टिकल लिखा और आपने पोस्ट कर दिया, तो आप यहाँ से इस तरीके से इजीली। अब यहाँ पे पेजेस हैं, ठीक है। अभी मेरे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मेरे पास पेजेस कितने शो हो रहे हैं, अभी दो शो हो रहे हैं। ये कैटलॉग क्या है देख लेते हैं। ये जो मैंने प्रोडक्ट्स ऐड की थी ना, तो ये डायरेक्टली शॉप का पेज, आपको पता होगा कि आप जब भी कोई भी WooCommerce थीम या WordPress में या e-commerce थीम मतलब इंस्टॉल करते हैं, आप WooCommerce प्लगइन एक्टिव करते हैं, ठीक है, तो आपके पास एक डिफॉल्ट शॉप का पेज बना हुआ आ जाता है, ठीक है। तो आप किस तरीके से, मतलब आपको पता होगा कि ना, फिर आप जो भी प्रोडक्ट ऐड करेंगे उसी शॉप के पेज में आते हैं, ये आपकी मर्जी है कि आप इसको यहाँ पे आप ऐड करवाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, ठीक है। और ये मेरे पास शॉप आ गया, शॉप के पेज में मैं क्लिक करता हूँ, तो जैसे मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट व्यू करके, मेरे पास इसी तरीके से प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है। और मैंने आपसे आपको ये भी बताया था कि जो इमेजेस मैंने ऐड की थी,
मैंने दो इमेजेस क्यों ऐड की थी, मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि गैलरी वगैरह किस तरीके से आपके पास आ जाती है, ऐड टू कार्ट मतलब ये डिफॉल्ट सारी चीज़ें हुई हुई हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको पेजेस बता देता हूँ, पेजेस है ना किस तरीके से हम यूज़ करने। तो मैं आपको थीम स्टार्ट बता रहा हूँ कि हम थीम बनाना शुरू कर दिए। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा, मैं पहले सबसे पहले पेजेस क्रिएट कर देता हूँ। मेरे पास होम डिफॉल्ट हुआ हुआ है, तो पेजेस पे आते हैं, ऐड पेज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक कॉन्टैक्ट का पेज जो मोस्टली होता ही है वेबसाइट में, तो मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर दिया। ठीक है, कॉन्टैक्ट अस कर देते हैं। कॉन्टैक्ट अस करने के बाद मेरे पास यहाँ पे आपके पास टेम्पलेट सिलेक्ट हुआ हुआ है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आके क्लिक करना है और यहाँ पे पेज कंटेंट कॉन्टैक्ट कर देना है, पेज डॉट कॉन्टैक्ट है शॉपिफाई के अंदर इसका डिफॉल्ट कॉन्टैक्ट फॉर्म। ठीक है, तो आपने इसे सेव कर दिया। अगर आपको यहाँ पे कुछ लिखना है मतलब कोई भी आपको टेक्स्ट वगैरह कुछ भी आप लिखना चाह रहे हैं तो आप लिख सकते हैं, लेकिन अभी मेरे पास कुछ भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैंने पेज सेलेक्ट किया हुआ है, सेव कर देता हूँ। अब मैं इस पेज को व्यू करना चाहता हूँ, तो मेरे पास अभी ये ब्लैंक आ रहा है, कॉन्टैक्ट अस लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे आकर इसे कॉन्टैक्ट पेज डॉट कॉन्टैक्ट करता हूँ और इसे सेव कर देता हूँ। देन इसे दोबारा से रिव्यू करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म आ गया। ओके, तो ये बहुत ही इजी था, यहाँ आपने पेज क्रिएट किया। अगर आपने कॉन्टैक्ट अस बनाना है तो आपने यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस, ये सारी चीज़ों के लिए नहीं है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने ब्लॉक सेलेक्ट किया तो ब्लॉक हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सही है, तो आपको सारी चीज़ें देख के चलना पड़ेगा। पोस्ट के लिए आप अलग चीज़ें गेट करोगे, तो अभी मैंने यहाँ पे सिर्फ कॉन्टैक्ट क्रिएट किया है, तो मेरे पास ये पेज आ गया। यहाँ पे कैसे शो होगा, तो नेविगेशन में हमें जाना पड़ेगा, तो पहले पेजेस क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं पेजेस पे दोबारा एक पेज क्रिएट कर लेता हूँ। मेरे पास कितने पेजेस हो गए, एक एक ही है। ओके, अबाउट कर देते हैं। ओहो, अबाउट अस, ठीक है, हमने अबाउट अस कर दिया। अब इसको हम डिफॉल्ट पेज पे ही रखेंगे क्योंकि मुझे इसमें कॉन्टेक्ट नहीं चाहिए। ठीक है, इसमें टेम्पलेट बनते हैं, वो बैकएंड से बनते हैं। ठीक है, वो कोड के थ्रू अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ठीक है, अबाउट अस में मैं अभी फिलहाल कुछ भी नहीं रख रहा, सिर्फ एक पेज क्रिएट करना क्योंकि मुझे नेविगेशन रेडी करनी है। एंड यहाँ पे आ जाते हैं मेरे पास मोर ऑप्शन, फिर से एक दूसरा पेज देख लेते हैं, या तो डुप्लीकेट कर लो या क्रिएट एन अदर पेज कर देते हैं। ठीक है, क्रिएट एन अदर पेज के अंदर यहाँ पर मैंने फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे कलेक्शंस रखनी है। ठीक है, तो कलेक्शंस में ऐड कर देता हूँ कलेक्शंस। ठीक है, तो कलेक्शंस भी आप बोल सकते हैं, मैं भी फिलहाल इसमें सारी कलेक्शंस शो करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो अब इसे सेव कर देते हैं। सारी चीज़ें भी ब्लैंक रखी हुई हैं, सिर्फ हमारे पास होम पेज पे कॉन्टैक्ट होगा और मतलब कंटेंट होगा और कॉन्टैक्ट अस वाले पेज पे कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म। ओके, और ये कलेक्शंस पे मुझे कलेक्शंस शो करवानी है। किस तरीके से होगा, कलेक्शन मैंने एक पेज क्रिएट किया हुआ है, अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, अगर नहीं भी तो आपकी मर्जी। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास नेविगेशन है। ठीक है, फूटर मेन्यू एंड मेन मेन्यू, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अपनी साइट पे। तो यहाँ पे मेरे पास फूटर मेन्यू, फूटर में मेन्यू में जैसे कि क्विक लिंक्स, ये फूटर मेन्यू में आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे मेन मेन्यू हेडर का मेन्यू जो होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेन मेन्यू में मैंने क्लिक किया, मेरे पास होम और कैटलॉग आ रहा है। तो कैटलॉग का सबसे पहले नाम मुझे सही नहीं लग रहा, तो मैंने इसे शॉफ कर दिया। ओके, अप्लाई चेंजेस कर देते हैं। और यहाँ पर आपने एक चीज़ नोट की होगी, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल प्रोडक्ट, या अगर मैं इस पर क्लिक करूँ या रिमूव भी कर दूँ तो आपके पास ये आ रहा है। चलो दूसरा करते हैं हम, तो हम देखते हैं। ठीक है, एड आइटम करते हैं। मेरे पास यहाँ पे मैंने एक पेज बनाया था अबाउट अस के नाम से, तो मैं यहाँ पे आता हूँ। पेजेस में जाने से अच्छा है, जैसे कि अगर आपको पता है अबाउट अस, ठीक है, तो ये मेरे पास डायरेक्ट ही पेज सेलेक्ट करके बता रहा है, तो ये मेरे पास पेज आ गया लिंक। ठीक है, आपको कोई जाके पेज व्यू करके उसका यूआरएल कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट यहाँ पे लिखा अपना पेज नेम तो आपने ऐड कर दिया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास, मैंने कौन सा किया था, कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, तो फिलहाल मैं यहीं पे लिख लेता हूँ कॉन्टैक्ट अस। अगर आपको इस तरह समझ नहीं आया कैसे आ गया, तो मैं पेजेस में जाता हूँ यहाँ से,
और यहाँ से मैं देख लेता हूँ कि मुझे कौन सा पेज ऐड करना है, तो मैंने कॉन्टैक्ट अस कर दिया, तो ये मेरे पास कॉन्टैक्ट अस आ गया। ठीक है, बहुत ईजी है। चलो एक और भी कर लेते हैं। मेरे पास कलेक्शन था, तो मैं वो तो कलेक्शन मैंने ऐसे ही बना लिया था। ठीक है, यहाँ पर आता हूँ मैं कलेक्शन के पेजेस में, ओह सॉरी, कलेक्शन का जो पेज मैंने बनाया हुआ था, मर्जी आप बनाए ना बनाए, मैं यहाँ पे डायरेक्ट एक काम ये करता हूँ, मैं उस पेज को रिमूव कर दूंगा। यहीं पे कलेक्शन का हम बना लेते हैं कलेक्शन। ठीक है, और यहाँ पे मैं देता हूँ हैश लिंक। हैश लिंक अब मुझे इसे किसी से लिंक नहीं करना, क्योंकि मुझे इसके अंदर सब मेन्यू कॉल करवाना है। तो अब यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। ओके, अब दूसरा मैं ऐड आइटम कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए, मैंने जो कलेक्शन ऐड की थी, आपको मैं बताऊँ जो मैंने वॉच वगैरह ये वाली जो कलेक्शन ऐड की थी वो कैसे कहते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ। मैंने तीन कलेक्शन ऐड किए थे, स्मार्ट वॉच और स्मार्ट वॉच ब्लैक और डिजिटल वॉच। ठीक है, तो डिजिटल वॉच ऐड कर दिया मैंने। तो अब आप देखें मेरे पास, मैंने ये होम पहले से था ऑलरेडी, शॉप का नाम मैंने रीनेम चेंज किया, अबाउट अस ऐड किया, कॉन्टेक्ट अस। कलेक्शन का मैंने पेज बनाया था लेकिन ज़रूरत नहीं थी उसकी, तो मैंने क्या किया, उसको एक ब्लैंक मतलब एक नेम दिया और इसको मतलब हैश लिंक लगा दिया। ठीक है, क्योंकि वो पेज पे क्लिक ना हो, बस उसके नीचे सब मेन्यू ओपन हो। तो सब मेन्यू ओपन करवाने के लिए मैंने सिर्फ जस्ट यहाँ पे डिजिटल वॉच किया, उसको यहाँ पे ड्रैग थोड़ा सा। तो ये अब आप देख लें कलेक्शन के अंदर मेरे पास डिजिटल वॉच शो हो रहा है। अगर मैं उससे बंद कर दूँ, क्लोज कर दूँ, तो आपके पास देखो ये शो मतलब क्लोज हो गया। अब इसे ओपन करते हैं और यहाँ पर आकर मुझे दूसरी कलेक्शन एड करनी है। मैंने कौन सी की थी पहले, डिजिटल वॉच। तो अगर आपको नाम याद है कलेक्शन का, तो आप यहाँ पे लिख लें स्मार्ट स्मार्ट कलेक्शंस के अंदर दो कलेक्शंस हैं, तो मैंने क्या है इसे स्मार्ट वॉच। और दूसरे यहाँ पे वो भी देख लेते हैं, स्मार्ट वॉच ब्लैक। कलेक्शंस के अंदर है मेरे पास स्मार्ट वॉच ब्लैक। ओके, तो मेरे पास एक दो तीन कलेक्शन हो गई, और यहाँ पर होम शॉप अबाउट कॉन्टेक्ट अस एंड कलेक्शन। ओके, सेव कर देते हैं। अब यहाँ पे हम इसे व्यू करते हैं। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे मेन्यू में आ गया है अबाउट शॉप अबाउट अस कॉन्टेक्ट अस एंड कलेक्शन। तो अबाउट कॉन्टेक्ट पे क्लिक करते हैं, तो मेरे पास यहाँ पे पेज रेडी है। ओके, फिर से मैं यहाँ पे कलेक्शन पे आता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास इसने डिजिटल वॉच बता दिया। तो डिजिटल वॉच पे देखते हैं कोई मैंने ऐड किया था या नहीं किया था कोई प्रोडक्ट। तो यहाँ पे कोई भी मैंने प्रोडक्ट कलेक्शन में ऐड नहीं किया था। तो मैंने किस कलेक्शन में ऐड किया था मैं आपको बता दूँ, मैंने स्मार्ट वॉच पे एडिट मतलब एक प्रोडक्ट ऐड किया था उसके कलेक्शन के अंदर। तो मेरे पास एक स्मार्ट वॉच के अंदर ब्लूटूथ स्मार्ट वॉच की मैंने एक प्रोडक्ट ऐड की थी उस कलेक्शन में, तो मेरे पास यहाँ पे शो हो रहा है। तो अब मैं आपको बेसिक ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर आपके पास कोई बहुत ही बड़ा अगर स्टोर है, लाइक कंप्लीट शॉपिंग का जो आप स्टोर है, टी शर्ट्स हैं, जीन्स हैं, तो सारी चीज़ें, ठीक है, तो मेंस कलेक्शन अलग होगा, फिर एनफ वुमेन कलेक्शन अलग होंगी, ठीक है, उनकी प्रोडक्ट्स अलग होंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से इस तरीके से आप बहुत ही ईजीली आप बना सकते हैं। ठीक है, थीम ज़रूरी नहीं है आप ये रखें, आप चाहें तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर स्मार्ट वॉच का भी मैं आपको बता दूँ, मैंने ऐड किया था नहीं किया मैंने सॉरी, सिर्फ उसमें एक ही में किया था। ठीक है, शॉप पे आते हैं, तो मेरे पास दो हैं। शॉप पे क्यों दो प्रोडक्ट शो करवा रहे हैं, क्योंकि ये ऑल प्रोडक्ट्स यहाँ पे शो करवाएगा, आप ये देख लें आपके यहाँ पास लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ स्मार्ट वॉच भी है एक, ठीक है, तो ये स्मार्ट वॉच। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, ऑल प्रोडक्ट। ओके, अब मैंने ये कलेक्शंस भी एड बता दिए मेन्यू के अंदर। ठीक है, ये सर्च का बॉक्स है और ये शॉप यूअर कार्ड। ठीक है, अभी मेरे पास कोई भी कार्ड नहीं, मैंने ऐड नहीं किया था, तो कंटिन्यू शॉपिंग करते हैं। तो मैं यहाँ से दोबारा से अपने उस पे जाऊँ। ठीक है, ठीक है, इसकी सेटिंग नहीं की हुई, तो अब मैं यहाँ पर इस पेज को स्टाइल करता हूँ। तो मेरे ये नेविगेशन कहाँ से किया, ऑनलाइन स्टोर के अंदर नेविगेशन का ऑप्शन है। ठीक है, अब मैं पेजेस भी मैंने आपको बता दिया, नेविगेशन भी बता दिया, डोमेन भी बता दिया। ओके, ब्लॉग पोस्ट का भी बता दिया। अब थीम के बारे में आते हैं। थीम थीम के लिए हमें क्या करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अपलोड थीम, अगर आपके पास कोई थीम है तो आप अपलोड कर लें। पर आ जाते हैं, मुझे ये सारी चीज़ आपको पहले समझानी है।
प्रीव्यू, तो हमने जैसे ये स्टोर प्रीव्यू किया, ओके। अब यहाँ पे रीनेम भी आप कर सकते हो थीम का, डुप्लीकेट, आप अपनी थीम को डुप्लीकेट भी बना सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने कंप्लीट थीम पे काम कर लिया है, ठीक है, और अब आप चाहते हो कि उसकी स्टाइलिंग वगैरह आप थोड़ी सी चेंज करना चाहते हो, लेकिन आप चाहते हो कि वो सारी चीज़ें भी, मतलब हो सकता है कि आपसे कोई मिस, मतलब आपने कोई चीज़ गलत कर दी या आपने कोई कोड में काम मतलब चेंज हो गया, तो आपकी वो थीम पूरी खराब हो जाएगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, बैकअप ले लेना डुप्लीकेट थीम का, आप ले सकते हो, ठीक है। डाउनलोड थीम फाइल्स, आप अगर यही थीम आप किसी और को देना चाहते हो तो आपने यहाँ से डाउनलोड कर दी, ठीक है। और यहाँ पे एडिट लैंग्वेज, वही मैंने आपको लैंग्वेज का ऑप्शन बताया था, ठीक है, आप यहाँ से भी कर सकते हो और ये भी कर सकते हो, ठीक है। एडिट कोड, कोड एडिट में आते हैं पहले, बाकी कस्टमाइज बाद में आता हूँ, इसमें आपको समझा देता हूँ। कोड एडिट, इसमें आपने देखा होगा कि पीएचपी पे हम काम करते हैं, जो पीएचपी वाले हैं, ठीक है। ये लिक्विड है, ठीक है, ये इसका स्टोर की खुद की, मतलब इस तरीके से कोडिंग है, इसे लिक्विड, ठीक है। इसके अंदर थोड़ा सा ये सारे टेम्पलेट्स वगैरह रेडी हुए होते हैं, लाइक कलेक्शंस, लिस्ट, ये सारा कोड होता है। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती। अगर आपको कस्टम सीएसएस करना है तो यहाँ पे एससीएसएस की एक फाइल होती है, सीएसएस करके देखते हैं, सीएसएस, कार्ड सी एस एस एंड थीम सी एस एस। तो हम जब भी कोई भी काम, मतलब सी एस एस काम करते हैं, सी एस एस पे काम करते हैं, तो हम इस फाइल में चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपना एक, अपना कस्टम सी एस एस का दूसरे, आप खुद भी एक अपनी फाइल बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी सी एस एस हुई भी है यहाँ पे, एस सी एस एस, ठीक है। तो इसमें भी कुछ हमें करना नहीं है, हमें स्टोर पे आते हैं। तो ये सारा यहाँ पे कोड लेआउट जो होता है, ठीक है। एड न्यू लेआउट, मैं कह रहा हूँ जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कस्टम सीएसएस ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे कस्टम सीएसएस ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब लेआउट, सॉरी, पेज लेआउट, ठीक है, एड लेआउट नहीं, ओ सॉरी, पेज लेआउट, जैसे कि हमारे पास कॉन्टैक्ट का था वैसा ही हम बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास नेविगेशन भी हो गया, थीम भी हो गया, ठीक है। अब इसे मैं कैंसिल करता हूँ, फिर से थीम पे आते हैं। मुझे कोड एडिट नहीं करना, मैंने आपको बता दिया, हमसे कोड एडिट होगा। अगर आपको कुछ कस्टमाइज करना है, फॉर एग्जांपल किसी भी ऐसे ही पेज के अंदर आप कुछ ऐड करवाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से कोड में भी जाके कर सकते हैं और पेज में भी जाके, जो पेजेस के अंदर जाके आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब कस्टमाइज पे आते हैं, तो ये बहुत ही इजी है। और जाओ, ठीक है, सबसे पहले हम हेडर की सेटिंग करेंगे। लोगो अलाइनमेंट सेंटर भी कर सकते हो, जैसे कि इस तरह, ठीक है, अम्मी लेफ्ट सही है। अच्छा, मेरे पास अभी कोई लोगो है नहीं, मैंने कोशिश की थी कि मैं बना लूं पर मैं रह गया। अब यहाँ पे आप जैसे सिलेक्ट इमेज करेंगे, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे लोगो ऐड हो जाएगा। यहाँ पे पिक्सल्स में साइज है 200 तक, आई थिंक इसका साइज आता है 250 तक, ठीक है। अभी इसका साइज चेंज नहीं होगा क्योंकि ये टेक्स्ट है, अगर मैं आपको बता दूँ तो ये एक टेक्स्ट है, ठीक है। और ये जो 100 था उसे भी 100 ही रहने देते हैं। यहाँ पे होम पेज ओनली, और यहाँ पे कुछ अनाउंसमेंट और लिंक वगैरह जो वावल, मतलब कि ऑप्शनल बार, जो बार जो होती है, आपने देखा होगा क्या, कोई भी अनाउंसमेंट वगैरह आपको करनी है तो आप यहाँ पे, आपके पास बार आ जाती है एक्सेल, ठीक है, टेक्स्ट अनाउंसमेंट। तो अब यहाँ पर ये मेरा कंप्लीट हेडर है, जैसे कि ये मेन्यू है। अगर आपको मेन्यू चेंज करना है, फॉर एग्जांपल आपने ये जो मेन मेन्यू में काम किया हुआ है, आप चाहते हैं ये मेन्यू यहाँ पे नहीं शो हो, अगर आपने जो कस्टम कोई और मेन्यू बनाया हुआ है, यहाँ पे हम चेंज पे आते हैं, फुटर मेन्यू, ठीक है। अगर आप चाहते हैं फुटर वाला मेन्यू यहाँ पे शो आ जाए, या क्रिएट मेन्यू, आप जब क्रिएट मेन्यू करोगे, जैसे कि एड आइटम, जैसे कि हमारे पास वहाँ पे मेन मेन्यू और फुटर मेन्यू शो हो रहा था, तो यहाँ पर आप कोई अपना खुद का भी मेन मेन्यू ऐड कर सकते हो, ठीक है, ऐड मेन्यू। तो अभी मेरे पास इसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आ जाते हैं मेन मेन्यू, ठीक है। मैं आपको सिर्फ इसका वो बता रहा था कि किस तरीके से ये चेंज हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर और क्या है, ठीक है, इमेज विथ टेक्स्ट, ये जो आप देख रहे हैं इमेज विद टेक्स्ट। अब मैं चाहता हूँ ये इमेज विद टेक्स्ट है, ये नहीं चाहिए भाई, मुझे स्लाइडर चाहिए, टेक्स्ट वगैरह नहीं चाहिए।
तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको कर देते हैं यहाँ से क्लिक और यहाँ से कर देते हैं रिमूव सेक्शन। तो मेरे पास से ये रिमूव हो गया। अब मैं ऐड कैसे करूँगा, तो मेरे पास यहाँ पे ऐड सेक्शन का आप देखेंगे जब हेडर आ गया, इमेज विद टेक्स्ट, ये वन बाय वन ये सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पे ऐड है। अगर आप सारी चीज़ें रिमूव भी कर दें तो कोई इशू नहीं है, आपको यहाँ से सब सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो मुझे यहाँ पे स्लाइडर चाहिए था, स्लाइड शो, ठीक है। तो ये स्लाइड शो जैसे मैंने ऐड किया तो सबसे नीचे आ गया भाई, तो ऐड कर देते हैं पहले से, फिर इसको हम ऊपर लेके जाते हैं। स्लाइड शो सबसे नीचे आ रहा है, फुटर के ऊपर आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि भाई इसको मैं ड्रैग करके हेडर के बाद रख दूँ। तो ये मेरे पास हेडर के बाद स्लाइड शो आ गया। इस पर क्लिक करते हैं और मेरे पास कुछ इमेजेस हैं, मैं ऐड कर देता हूँ। दो ही स्लाइड आई थिंक बनाना बहुत है। सिलेक्ट इमेज करते हैं, अपलोड किया मैंने शॉपिफाई स्टोर के नाम से। मेरे पास स्लाइडर बैनर है एक, ये रहा स्मार्ट वॉच, ये जिसके टेक्स्ट आ रहा है मुझे नहीं चाहिए। और यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे पास इसका टेक्स्ट ये रहा, इसे रिमूव, इसे भी रिमूव, ठीक है। तो मेरे पास ये एक इमेज हो गई है। अब आप देखो यहाँ पे है ना थोड़ा सा ये डल कलर हो रहा है, सही है। तो मैं चाहता हूँ ये जो इसके ऊपर जो ओवरले कलर आ रहा है ये ग्रेश ब्लैक टाइप का आ रहा है, ट्रांसपेरेंट है थोड़ा सा, तो मैं इसे हटा देता हूँ। सही है, हट गया। तो ये मेरी पिक्चर, जो मेरा जो स्लाइडर है वो क्लियर आप दिख रहा है आपको इमेज, ठीक है। अब दूसरे पे भी मैं यही ले लेता हूँ, इसे भी सिलेक्ट कर लेते हैं। चले दोनों में मैंने अभी फिलहाल एक ही लिया हुआ है, या आप एक टेस्ट के लिए एक और भी ऐड करवा देते हैं, ये वाला बैनर। ठीक है, तो इमेज ये वाला जो टेक्स्ट है मुझे हटा देना, ये भी रिमूव, ये भी रिमूव, ओके। ये मैंने हटा दिया, इसका सेंटर वाले का भी आई थिंक मैंने नहीं हटाया था, तो ये भी रिमूव कर देता हूँ। और ये तीनों मेरे पास स्लाइडर आ गए, चलें। अब मैं नेक्स्ट चलता हूँ, स्लाइड शो हो गया मेरे पास। अब मैं चाहता हूँ कि एक थोड़ा सा अच्छी सी इमेज टाइप हो और यहाँ पे थोड़ा सा टेक्स्ट लिखा हुआ हो, तो यहाँ पे आ जाते हैं सिलेक्ट इमेज। कोई अच्छी सी इमेज है मेरे पास, देखते हैं। यहाँ पे वॉच्स में आते हैं, ओके, चलो यही सही लग रही है। तो ये एक मेरे पास इमेज आ गई, ठीक ऐड कर दिया। और यहाँ पे मेरे पास इमेज विद टेक्स्ट जो है इसका कलर, इसको चेंज कर देते हैं। तो मैंने आपको कहा मेरे पास एक कुछ लिखा हुआ था, मैंने इसे लॉरेम एप्सन को क्लिक किया और फिर कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे मेरे पास लॉरेम एप्सन आ गया। ये डमी टेक्स्ट यूज़ कर रहा हूँ सिर्फ आपको एक बताने के लिए, क्या और क्या स्मार्ट वॉच ब्लैक, चलो ये लिख रहे। नहीं, कलर अच्छे नहीं, सिर्फ स्मार्ट वॉच सही, ठीक है। और अब मेरे पास, अच्छा यहाँ पे आप कोई बटन वगैरह लगाना चाहें, फॉर एग्जांपल मैं से अबाउट से क्लिक, मतलब अबाउट पे लगाना लाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे ही क्लिक, यहाँ पे मैं लगाना चाह मतलब लिखना चाह रहा हूँ क्लिक हियर। और यहाँ पे मैं किसी को पेज को लिंक करवाना चाह रहा हूँ, जैसे कि मैं अबाउट को लिंक करना चाह रहा हूँ। अबाउट को लिंक करवाने के लिए मेरे पास क्या है, ही अबाउट का लिंक, ठीक है। तो यहाँ पे बस क्लिक हेयर का बटन आ गया, ये स्मार्ट वॉच की हेडिंग आ गई और एप्सम का टेक्स्ट। तो मेरे पास ये देख लें एक स्लाइडर मतलब नेविगेशन रेडी है, ठीक है। ये इमेज मुझे बुरी लग रही है, बार बार बीच में आएगी, तो मैं इसे हटा देता हूँ, है। इसे मैंने अभी इतना सेव कर देना है और बाकी फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। अब रिफ्रेश करते हैं इसको, तो मेरे पास यहाँ पे भाई स्लाइडर आ गया मेरा, चला के दिखा देते हैं, ठीक है। इस तरह से ये इमेज मुझे कहीं और यूज़ करनी है, तो मैं बाद में आपको बताता हूँ कहाँ यूज़ करनी है, ठीक है। और मैं
मेरे पास ये स्मार्ट वॉच आ गया, लॉरेन मिशन का टेक्स्ट आ गया, ठीक है, और मैंने ये इमेज एक ऐड किया है, ठीक है। तो इस इमेज को पहले मैं हटा दूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये, और ये वाला नहीं था ये स्लाइडर में रिमूव कंटेंट, ठीक है। तो मेरे पास ये दो आ गए और सेव कर देते हैं, ये सेव करते जाइएगा। अगर जैसे आपने जो सारा काम कर लिया और आप सेव करना भूल गए हो तो ये सारी चीज़ें आपके पास मतलब वो रिवर्ट बैक हो जाएगा, कोई कुछ सेव नहीं होगा, जो आपने काम किया होगा वो सब चला जाएगा। यहाँ पर फिर से मैं आ जाता हूँ, टेक्स्ट विद कॉलम मुझे नहीं चाहिए। जैसे कि ये जो टेक्स्ट विद कॉलम आया है ना, ये आप बेसिकली अगर आपके पास कोई ऐसा सेक्शन है तो आप यूज़ कर सकते हैं कि तीन इमेजेस आ गई और टेक्स्ट टाइटल वगैरह ये सारी चीज़ें आ गए, तो मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने यहाँ पे आके इसको क्या किया, रिमूव कर दिया। फीचर कलेक्शंस में आते हैं, चलो फीचर कलेक्शंस में मेरे पास यहाँ पे लिमिट है प्रोडक्ट पर रो 4, तो मैं 4 नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ 3 आ गए भाई, 3 आ गए, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे पर रो में 3 आ जाए, ठीक है, 2 रो हैं तो मैं चाहता हूँ 1 आ जाए, क्योंकि मेरे पास आपको याद है मैंने कलेक्शन सेट की थी, तो मैं ये शो करवाना चाह रहा हूँ कि मैंने जो कलेक्शन सेट की थी वो मुझे यहाँ पे ऐड करनी है। अब यहाँ पे आते हैं सिलेक्ट कलेक्शन, तो मेरे पास एक स्मार्ट वॉच की है तो मैंने सिलेक्ट कर लिया, तो मेरे पास एक ये कलेक्शन आ गई, ठीक है। और दूसरा मेरे पास क्या था, अच्छा शो प्रोडक्ट वेंडर शो बटन जो आप अगर आपके पास हो तो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये मेरे पास एक कलेक्शन हो गई, और कलेक्शंस फीचर कलेक्शंस एडिट कलेक्शंस एंड अच्छा मेरे पास मैंने जो फ्यूचर कलेक्शन जो मैंने ऐड किया था, तो इसी के अंदर मेरे पास ये स्मार्ट वॉच क्या किया है, तो इसके अंदर मेरे पास अभी सिर्फ एक ही कलेक्शन ऐड हुआ हुआ है, ठीक है। तो अब मैं इसमें सारी कलेक्शंस पहले ऐड की नहीं है मैंने, तो मुझे ऐड करना पड़ेगा। और मेरा इंटरनेट स्लो हो रहा है क्या, सेव कर देते हैं। तो मैंने कौन सा इसमें किया हुआ ऐड फ्यूचर कलेक्शन के अंदर, मुझे फ्यूचर कलेक्शन एक ऐड कर लेनी है अपने पास, जिसके अंदर मैं सारी चीज़ें प्रोडक्ट शो करवा दूँ। तो अभी मैंने कौन सी कलेक्शन ऐड की हुई है, कलेक्शन एडिट, एडिट कलेक्शन करते हैं पहले से। और मेरे पास अभी 2 प्रोडक्ट हैं, तो मुझे एक और भी प्रोडक्ट ऐड करनी पड़ेगी, स्मार्ट वॉच। ठीक है, तो ये अपलोड हो गई। मेरे पास प्रोडक्ट्स नहीं है, सिर्फ मैंने 2 ही की थी, मुझे पहले कर लेनी थी पर नहीं की, तो यहाँ पे आ जाते हैं डिजिटल वॉच। ओके, यहाँ पे मेरे पास इमेजेस कोई भी ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये ले लेते हैं। ओके, से मैंने सेव कर दिया, सेव नहीं करना, मुझे प्राइस वगैरह लिखना, जैसे कि 3000 और 3000 नहीं कर देते, हाँ जैसे भी 4000 कर देते हैं। ओके, और यहाँ पे मुझे अभी कोई इसकी वेरिएशन वगैरह बनानी नहीं है, तो और मैं यहाँ पे ट्रैक ऑर्डर पे चेक अनचेक कर रहा हूँ, जिससे से सेव कर रहा हूँ। स्मार्ट वॉच, वॉच की स्पेलिंग भी मैंने गलत लिखी थी यहाँ पे एक बार, ठीक है। तो
अब इसको भी मुझे कलेक्शन में ऐड करना चाहिए, डिजिटल वॉच को मैंने नहीं किया हुआ, तो मैंने कौन सी कलेक्शन ऐड की थी? चलो देख लेते हैं, स्मार्ट वॉच पे आ जाते हैं, मैंने ये वाली कलेक्शन, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं डिजिटल वॉच। नहीं आ रही मेरी प्रोडक्ट, शायद सेफ नहीं हुई। डिजिटल वॉच आ गई, ठीक तो मेरे पास यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स हैं और मैं इसे सेव कर देता हूँ एंड यहाँ पे अब प्रीव्यू करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे तीन प्रोडक्ट्स आई हुई हैं। ओके, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर आकर जस्ट फीचर कलेक्शंस में आया, फीचर कलेक्शन, ठीक है, और मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास ये तीन कलेक्शन यहाँ पे शो होनी चाहिए प्रोडक्ट की। तो यहाँ पर आकर मैंने सिर्फ स्मार्ट वॉच कलेक्शन जो मैंने फर्स्ट एक बनाई थी, मैंने सिर्फ उसे ही ऐड किया है। ओके, और यहाँ पर मेरे पास एक बैनर है, मैं चाहता तो सिर्फ आपको मैं बता सकता हूँ कि इस तरीके से प्रोडक्ट रेडी होती है, लेकिन मैं एक कंप्लीट स्टोर, अगर आपके पास एक कोई ऐसा प्रोडक्ट है, जैसे कि मेरे पास, मैंने एक डिजिटल वॉच उठाई हुई है, तो आप, मैं ना, आपने एक बैनर बनाया परफेक्ट, और फिर इस तरीके से आपने इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखी, और फिर आपने उसके अंदर पेजेस वगैरह क्रिएट किए, और फिर प्रोडक्ट वगैरह इस तरीके से आपने ऐड किए, तो मतलब आपका एक स्टोर अच्छा लुक में आएगा। अगर आप चाहें तो बस एक साथ कोई से भी प्रोडक्ट भर सकते हैं, ऐसा कुछ आप कर सकते हो, लेकिन फिर भी एक एक लुक आना चाहिए, तो इसलिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इमेज विथ टेक्स्ट अगर मैं चाहूँ तो रखूँ, वरना ऐसे ही अगर ज़रूरत नहीं है इसकी, खैर रख लेते हैं। इमेज विथ टेक्स्ट पे आ जाते हैं, मेरे पास यहाँ पे एक बैनर, सॉरी, इमेज विथ टेक्स्ट कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास एक इमेज ऐड करनी है जो मैंने ये वाली इसी के लिए रखी थी। ओके, सिलेक्ट, तो ये मेरे पास एक बैनर है, इसके ऊपर भी ओवरले वगैरह आ रहा है, तो वो बाद में हम रिमूव करते हैं। इसको रख लेते हैं डिजिटल स्मार्ट वॉच कर देते हैं, डिजिटल स्मार्ट वॉच। वॉचेस नहीं, डिजिटल स्मार्ट वॉचेस। ओके, ये टेक्स्ट थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए मुझे, इसमें भी हम नॉर्मल ऑप्शन ही यूज़ करेंगे। ओके, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास कुछ सेटिंग बता रहे हैं, मैं देख लेता हूँ। ये टेक्स्ट अलाइन मिडल बता रहा है, तो मुझे, ओ सॉरी, अलाइन इमेज अलाइनमेंट मिडल बता रहा है, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन ये सेंटर बता रहा है, अगर मुझे लेफ्ट करना है, अगर नहीं है तो मुझे सीएसएस करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत। टेक्स्ट साइज लार्ज है, तो मैं थोड़ा थोड़ा मीडियम देखता हूँ किस तरीके का है। सही है, मीडियम सही है, बहुत बड़ा लग रहा था, बड़ा बड़ा। क्या है, इमेज अलाइनमेंट मिडल, हाँ ठीक है, मिडल में ही सही है। और बाकी क्या था, फुल वेल्थ, फुल वेल्थ है, और सेक्शन हाइट, अच्छा ये जो सेक्शन हाइट है ये मीडियम हुई है, आप चाहे लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, और मतलब जो इमेज का साइज है आप उस साइज पे भी कर सकते हो, ठीक है। देख लेते हैं अभी क्या हुआ, मीडियम हुआ है ना, इमेज का क्या साइज है, इमेज का ये साइज है, ये भी सही लग रहा है, चलो यही रखते हैं। और डिजिटल वॉचेस हेडिंग आ गई, अब आप यहाँ पे बोल्ड इटैलिक, आपको ये लिंक वगैरह ऐड करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। बटन बनाना है, चलो बना लेते हैं, आपको भेज दी, क्लिक इसको करते हैं, मोर, इसको भी किसी ना किसी पेज से ऐड कर देता हूँ अबाउट उससे। ओके, मेरे पास इस तरीके से आ रहा है, मैं चाहता हूँ ये सेंटर में ना इस तरह ना हो, चलो सीएसएस कर लेंगे, सीएसएस का भी पता चल जाएगा किस तरह से सेफ होती है। ओके, ऐसे मैंने सेव कर दिया, फिर से व्यू करते हैं, देखते हैं क्या है, इसे हटा दो, जरूरत नहीं है इसकी। मेरे पास एक वो बैनर आ गया, लोगो होता तो और अच्छा लगता, ठीक है,
ये मेरे पास बैनर, और यहाँ पर मेरे पास क्लिक हेयर का एक बटन है, चलो क्लिक करके भी देख लेते हैं। लाइट क्लिक ओपन विथ न्यू टैब, तो भी अबाउट अस के पेज पे ले आया। ओके और यहाँ पे शॉप का पे कलेक्शन है, नहीं फीचर कलेक्शन, ठीक है। तो मैंने इसे क्लिक किया तो ये मेरे पास सही ऐड टू कार्ट पे ले आया। ये सारी चीज़ें भी बताऊंगा कि ऐड टू कार्ट वगैरह का। ओके और ये रिव्यूज़ मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, रिव्यूज़ को रिमूव कर देते हैं, हाइड कर दो फिलहाल। और मुझे ये गैलरी भी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा इमेजेस हो गए हैं तो इस गैलरी को भी नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन इसके अंदर एक और ऐड सेक्शन करते हैं, कुछ प्रोडक्ट टाइप आ जाए, फीचर प्रोडक्ट आ जाए या ऑल प्रोडक्ट्स, इस तरह कुछ। चलो फ्यूचर प्रोडक्ट, नहीं, इस तरह नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। कुछ और फ्यूचर कलेक्शंस, कलेक्शन लिस्ट भी आप कर सकते हो, फ्यूचर कलेक्शन भी कर सकते हैं। प्रोडक्ट, फ्यूचर प्रोडक्ट नहीं चाहिए। ओके ओके फीचर कलेक्शन, ठीक है। तो फीचर कलेक्शन मेरे पास इस तरीके से आ रही है, ऐड करो उसको दोबारा से। फीचर कलेक्शन लाइक आपका, जैसे कि मुझे सिर्फ एक ही कलेक्शन शो करवाना था, मैं देख रहा हूँ कि इसमें ऑल प्रोडक्ट का ऑप्शन है, ठीक है। सिलेक्ट कलेक्शन में आते हैं, यहाँ पे कोई एक ऐसी कलेक्शन हो जिसपे सारी प्रोडक्ट्स आ जाए, तो यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए था ऑल प्रोडक्ट का। शो प्रोडक्ट वेंडर नहीं है, चलो देखते हैं इसमें। प्रोडक्ट 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 प्रोडक्ट, खैर मैं सारी प्रोडक्ट शो करवाना चाहता हूँ नीचे इसके, तो वो भी कितनी, अभी यहाँ पे 3 है तो इनको भी ऐड करवा देंगे। चलो यहाँ पे आ जाते हैं, एक कलेक्शन ऐसी क्रिएट करते हैं जिसमें हमारे पास सारी प्रोडक्ट्स आते हैं, ठीक है। तो अब मैं ऐसे कर लेता हूँ होम पेज, तो अभी होम पेज पे एक ही आ रही है, ठीक है। तो मैं जितने मेरे पास जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगे ना, मैं उस पे उसे क्या कर दूंगा कि होम पेज पे आ जाए, ठीक है। सिलेक्ट कर देता हूँ, अभी एक शो हो रही है क्योंकि मेरे पास इसमें एक ही है, ठीक है। और अब आ जाते हैं इसका बैक कूलर का कलर वगैरह और इसके लिंक्स वगैरह देख लेते हैं, और बाद में इस प्रोडक्ट्स को देखते हैं, टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो अब मैं आ जाता हूँ फुटर पे, हमने एड्रेस क्लियर कर दिया। ये जो पूरा मेन सेक्शन है, ठीक है, जो हमारा जो कंटेंट वगैरह टेक्स्ट वगैरह, सही है, ये सारी चीज़ें इसको भी एडजस्ट करना है। ओके और यहाँ पर फुटर में बैकग्राउंड कलर कुछ भी दे देते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने थोड़ा सा डार्क ग्रेश टाइप का देना है, बहुत ज़्यादा डार्क हो गया, चलो सही है। टेक्स्ट का कलर ब्लैक है तो मैं व्हाइट करना चाहता हूँ, तो उसको व्हाइट कर देते हैं, देखते हैं सही है या पहले ही सीखना। इसको ब्लैक कर देते हैं जो था, इसको थोड़ा सा वही लाइट टाइप कर देते हैं। कोई कोई कलर नहीं हमारे पास, मतलब थीम नहीं है जो हम इसे फॉलो करें। ओके ये मेरे पास इस तरह हो गया। ये तो अभी मैं सिर्फ डिस्टोर भी करता हूँ, सबसे पहले इस टेक्स्ट को अलाइन लेफ्ट करके देखते हैं, वो तो जाना चाहिए। क्या है पेज फुल विड्थ, ठीक है, इसको वेट करते हैं, देखते हैं। टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट नहीं, क्या है कि प्रोडक्ट को करना पड़ेगा। इस आईडी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा जब भी हम कभी सीएसएस करते हैं तो इसकी जैसे कोई एक सेक्शन बना हुआ है, फॉर एग्जांपल ये एक सेक्शन बना हुआ है, जैसे मैं इस आईडी पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये मुझे इस पूरे सेक्शन को बता रहा है, ठीक है। तो हमें जो भी इसके अंदर हमारे पास है, H1 है, div है, ठीक है, तो मुझे उन सबको मतलब इस तरीके से, मैं चाहता हूँ कि उनको अलाइन लेफ्ट करूँ ताकि कोई इशू ना आए, तो मैं इसे कॉपी किया। यहाँ पे आ जाता हूँ, तो मैंने कॉपी किया। अब इसके अंदर मेरे पास H1 शो हो रहा है, तो ये थोड़ी सी CSS भी आपको बता देता हूँ। H1 टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट नहीं हो रहा तो उसे इम्पोर्टेंट लगाओ, फिर भी नहीं हो रहा भाई, क्यों? सॉरी H1 नहीं, H2 है।
तो मेरे पास ये डिजिटल स्मार्ट वॉच का जो हेडिंग है वो हो गया। ठीक है, तो ये हेडिंग इस तरीके से अच्छी नहीं लगी, तो मैं इसे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस कर देता हूँ। थोड़ी सी सीएसएस करनी पड़ेगी, अपर केस डिजिटल स्मार्ट वॉच। ओके, तो ये मेरे पास कॉपी कर लेते हैं। अब इसे मैंने जब कॉपी किया हुआ है, ठीक है, तो इसे मुझे अपनी सीएसएस की फाइल में सेव करना होगा। ओके, तो यहाँ पर आ जाते हैं। मेरे पास क्या था, इसे बैक कर देते हैं। थीम मेरे पास, थीम के अंदर यहाँ पे मेरे पास कस्टमाइज एडिट कोड का ऑप्शन है। ठीक है, सीएसएस मेरा थीम सीएसएस, मैंने इसे सेव कर दिया, मैंने कंट्रोल वी कर दिया, सेव कर दिया। अब इसे एक थोड़ी देर के लिए यहाँ पे ओपन रखते हैं और इस बाकी की भी सी एस एस कर लेते हैं। अब H2 है और H2 के अंदर, H2 के बाद क्या हमारे पास, ये सब टाइटल्स, सब टाइटल की एक हेडिंग ले लेते हो। चलो इसके अंदर P है, ठीक है, इसको भी कर देते हैं टेक्स्ट लाइन लेफ्ट। ओके, अब टेक्स्ट लाइन जब लेफ्ट किया है तो भाई यहाँ पर आप देख रहे हैं इसकी मैक्सिमम विड्थ ये है और इसके अंदर मार्जिन ऑटो वगैरह हुआ हुआ है, तो इसको मार्जिन ऑटो भी हटा दिया हमने। मार्जिन ऑटो का हटाने के बाद मुझे, मैं इसे कर दे मार्जिन जीरो भी कर दे। ठीक है, सॉरी, थोड़ी सी सीएसएस जरूरी है। यहाँ पे भी मैंने ऐड कर दिया और मेरे पास जो मेरा टेक्स्ट था उसको भी मैंने यहाँ पे ऐड किया था ना, इसकी भी कॉपी सीएसएस और फिर कंट्रोल वी कंट्रोल एस पर मुझे देखना, टाइम ज़्यादा हो गया। ओके, तो यहाँ पर देख लेते हैं, मुझे प्रोडक्ट्स का ऐड करना था। अभी भी यहाँ पर भी मैं उसी फीचर कलेक्शन को ऐड कर देता हूँ जो मैंने पहले की थी, ताकि जो भी लुक जो है वो ओके होता है। और कस्टमाइज फीचर कलेक्शन, ठीक है, ये जो चेंज किया था ना होम, मैंने होम की जगह मैं उसको स्मार्ट वॉच करके देखता हूँ, आ रही है तीनों प्रोडक्ट। ओके सेव, ठीक है, तो मेरे पास एक थोड़ा सा लुक सही हो गया और ये आ जाते हैं हमारे पास। मैंने आपसे, मैंने कुछ चीज़ें इसमें कवर करवाई हैं, लाइक एक पूरा एक पेज क्रिएट करवाना, ठीक है, थोड़ी बहुत सीएसएस और यहाँ पे शॉप मैं बता दूँ तो शॉप के अंदर मेरे पास अभी फिलहाल 3 प्रोडक्ट हैं। मैंने आपको प्रोडक्ट बताया किस तरीके से हमें प्रोडक्ट ऐड करना है, इस तरह हमें प्रोडक्ट ऐड करना है, ठीक है, ऐड किया आपने और आपने क्रिएट प्रोडक्ट कर दिया, ठीक है, और बाकी ये सारी चीज़ें फिर मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। और बाकी इसमें आ जाते हैं, शॉप भी हो गया हमारे पास, अबाउट अस भी हो गया, कॉन्टैक्ट अबाउट सॉरी नहीं सॉरी कॉन्टैक्ट हो गया, ठीक है, कॉन्टैक्ट का फॉर्म भी हो गया। कलेक्शन के अंदर मैंने आपको कलेक्शन भी शो करवा दी, ड्रॉप डाउन कैसे बनता है, ठीक है। एक और चीज़ रह गई थी, मैं वो भी क्लियर करवा देता हूँ, जैसे कि ऑनलाइन में आकर कस्टमाइज में आ जाते हैं, थीम के अंदर कस्टमाइज में आ जाते हैं। थीम में आ गए, यहाँ पर कलर्स, कलर्स थीम्स, जैसे कि आप चाहते हैं कि आपके पास जो हेडिंग वगैरह का जो कलर है वो, यहाँ पे टेक्स्ट है, बटन्स कलर हैं, तो बटन का कलर जो है मैं येलो करना चाहता हूँ, येलो टाइप कुछ, ठीक है, फॉर एग्जांपल ऐसे, ठीक है।
ब्लैक भी सही था जो हुआ हुआ था। ओके टेक्स्ट बैकग्राउंड कलर लाइंस और क्या है यहाँ पे हेडिंग वगैरह का भी कलर होगा। हेडिंग लिंक हेडिंग हेडिंग का कलर क्या करना चाहिए भाई, कर दूँ येलो जो है ये वाला। ये मैंने हेडिंग्स का कलर ये भी सही नहीं है, चलो खैर है जो ब्लैक है वही सही। मैं आपको बता रहा हूँ थीम ब्लैक ही सही लग रही है अभी फिलहाल। तो आप यहाँ से कलर चेंज चेंज करते हैं, इसका मतलब ये है कि आपने अगर यहाँ से चेंज कर दिया तो आप चाहे इस पेज पे हो या किसी भी पेज पे हो, आपने H1 लिया होगा, हेडिंग्स ली होंगी, उसका कलर वही होगा जो आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया होगा। वो अलग बात है कि आपने उसकी क्लास सेलेक्ट करके आपने कलर वगैरह चेंज कर दिया, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हो कि उसको इतना CSS को फॉलो नहीं करना तो आपने यहाँ से ही कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे ऑपेसिटी वगैरह है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ओके तो इसे भी सेव कर देते हैं। लास्ट टाइम मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ मैंने क्या क्या करवा लिया। तो यहाँ पे आ जाते हैं, सबसे पहले मेरे पास होम, ठीक शॉप, और शॉप के ऊपर मैंने अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, कलेक्शन, ठीक है। ये फुटर है, जैसे कि मैंने आपको मेन्यू चेंज करवाना बताया, ऐसे ही आप यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। और ये न्यूज़लेटर का डिफॉल्ट था, और यहाँ आप देख लो और जब सेक्शंस में आते हैं, ये थीम सेटिंग्स और यहाँ पे सेक्शंस, यहाँ पे फुटर है, यहाँ पे फुटर के अंदर न्यूज़ लेटर आप एक कोई कुछ और भी ऐड करवाना चाहते हो अबाउट का कंटेंट या टेक्स्ट वगैरह या कुछ और भी लिंक्स वगैरह तो आप कर सकते हो, ठीक है। न्यूज़ लेटर यहाँ पे न्यूज़ लेटर सेलेक्ट हुआ हुआ है, आप नेम चेंज कर लो, अगर रिमूव करना है तो रिमूव कर लो। क्विक लिंक्स ये वही मेन्यू वाले हैं, ठीक है, जो फुटर के अंदर मेन्यू बना हुआ, तो आप चाहो तो अपना कोई मेन्यू क्रिएट करके आप ऐड कर दो या उस फुटर के अंदर ही ऐड कर दो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने क्लियर करवाई, और भी इसमें अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है।